नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों को लिविंग रूम का टूर दूंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। लेट्स गेट सेट गो। ये सामने आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा मेन डोर है और डोर के ऊपर गणेश जी हैं और उसके साइड में एक छोटा सा वाल है। वाल को मैंने आर्टिफिशियल बेल लगा के इस तरह से सजाया है और नीचे वाल स्टिकर लगा दिया है, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। और उसके साइड में आप लोग देख सकते हैं एक स्टूल है, स्टूल के ऊपर मैंने कुछ नहीं बिछाया है और एक मटका है, मटके को मैंने पेंट करके एक फ्लावर पॉट के हिसाब से मैं यूज करती हूँ, आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा दिया है। और उसके पास है बैटरी ऑपरेटेड कैंडल, तो कैंडल को जला देते हैं। उसके पास है मेरा दो सिंगल सीटर सोफा, उसके पीछे जो आप लोग देख रहे हैं यह है वॉल स्टिकर। यहाँ पर मैंने एक लोहे का सेल्फ रखा है, तो उसके पीछे मैंने इस तरह से वॉल स्टिकर लगा दिया है, तो ये पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पर एक सेल्फ है और सेल्फ के दोनों तरफ दो कर्टन हैं। और सेल्फ के ऊपर इस तरह से छोटे मोटे डेकोरेटिव पीसेस मैंने रख दिया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये एक्चुअली में ये एक लंबा हॉल है, तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड करके उस तरफ डाइनिंग रूम और ये लिविंग रूम बना दिया है। ये दो बेडरूम वाला घर है, तो आप लोग सामने देखें, सामने जो है ये एक बेडरूम है और उसके पास फिर से एक मटके को मैंने पेंट करके यहाँ पर रख दिया है, आर्टिफिशियल फ्लावर से सजा दिया है। उसके साइड में है मिट्टी का मशरूम, मैंने एक मेला से इसको लिया था और इसमें आया था मीठा दही, तो इस बर्तन मिट्टी वाला बर्तन को मैंने कलर करके उर्ली की तरह यूज़ करती हूँ। और इसके ऊपर एक सो पीस गाय और बछड़ा, कहते हैं ये होने से घर में शुभ होता है। और ये है टीवी, और आप लोग देख सकते हैं मैंने सेटअप बॉक्स को इस तरह से झुला के रख दिया है। और यहाँ पर बहुत सारे तारे हैं, तो तारों को छुपाने के लिए कुछ पेंटिंग करके मैंने यहाँ पर रख दिया है और तारों को छुपाने की कोशिश की है। साइड में चलते हैं, साइड में ये देखिए एक लोहे के छोटे से ऑर्गेनाइजर में ये राउटर है और उसके ऊपर घड़ी, और घड़ी के पास मेरा बनाया हुआ एक पेंटिंग। और ऊपर सेल्फ में कुछ छोटे मोटे इधर उधर के कुछ सो पीसेस हैं, इस तरह से मैंने रख के सजाया है। और नीचे चलते हैं, नीचे आप लोग देखिए यहाँ पर बुक्स हैं। एक्चुअली में ये एक प्लेट स्टैंड है और प्लेट स्टैंड को मैं बुक स्टैंड के हिसाब से यूज करती हूँ। और साइड में पेन स्टैंड में पेन के साथ साथ दो रिमोट भी रहते हैं। यहाँ पर दो कैबिनेट है और इस कैबिनेट के डोर को मैंने जो इनविटेशन कार्ड आते हैं उनको कट करके पिंक कलर के पेपर के ऊपर लगा के इस तरह से लगा दिया है। और यहाँ पर देखिए आप, इस रूम में दो खिड़कियाँ हैं और वो जो आप देख रहे हैं पीछे पिंक क्रीम कलर के जो पर्दे हैं पीछे, उसको जुगाड़ करके मैंने लगाया है क्योंकि ये सिंगल रड है, तो मुझे जुगाड़ करके इसको लगाना पड़ा। और ये है मेरा फाइव सीटर सोफ़ा और बीच में ये सेंटर टेबल, ये सेंटर टेबल ग्लास का है और सेंटर टेबल में मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया है, पूरा प्लेन ही रखा है। और ये जो ब्लैक कलर के कुशन देख रहे हैं आप, ये सोफा के साथ ही आया था। और ये जो ग्रीन कलर के सोफा कवर देख रहे हैं आप, इसको मैंने खुद से लाया है। और सोफा को मैच करता हुआ नीचे मेरा उसी कलर का कारपेट है। और चलते हैं इस कोने में, ये कोना आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक बुद्धा फाउंटेन है और कुछ DIY करके मैंने इस तरह से रख दिया है। और साइड में है गणेश जी
और यहाँ पर एक पैरट, पैरट के पीछे एक घंटा मिट्टी का, और यहाँ पर हैं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, और साइड में दो लालटेन। आप देख सकते हैं ये कोना कितना कलरफुल और कितना खूबसूरत लग रहा है। एक्चुअली में हम लोग बहुत ज़्यादा प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा करते हैं, तो ये सेंटर टेबल को हम लोग हटा देते हैं और यहाँ पर मैट डाल के हम लोग योगा मेडिटेशन वगैरह करते हैं और बहुत सुकून मिलता है। तो आप लोगों को मेरा लिविंग रूम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हमेशा खुश रहिए और हमेशा खुशियाँ बांटते रहिए।